गंगांग बलिके राधा विहार विपिने रमतांग मनो में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभातु ठाकुर बोलो बोलो हरे कृष्ण जोर से कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम और एक बार जोर से बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वाग्रे मध्य गुरु पाद प्रथम नित लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज चरण कमले अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम जनाए तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरु पाद प्रथम नित लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज चरण सरोजे श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करी उपस्थित समस्त त्रिदंड पादगण बन महाराज सिद्धार्थ महाराज ऋषिकेश महाराज पद्मनाभ महाराज और हमारे बुधारी महाराज सभी वैष्णव वैष्णवी सबाई चरण हमें जथाजी को प्रणाम करी हरे कृष्णा। आज के हमारे कोटि कोटि जन्म मेरे भाग्य थे आज के हमारा गुरुदेव बोलते ये नंदग्राम को न साधारण जगह न बोले के न कारण बोले यही का नहीं गुरुदेव बोलते यद्यपि राधा कुंड महिमा अनेक बेसी विभिन्न जगह महिमा अनेक बेसी गुरुदेव बोलते नंद ग्राम को साधारण स्थान नहीं बोले के न बोले यही खाने उद्धव ऐसे ब्रजवासी दरे महिमा के देखे ब्रज गोपी दरे महिमा देखे और यही खाने यही उद्धव किया रीते से खाने राधा रानी महिमा के दर्शन करे उद्धव मत व्यक्ति कहते उद्ध शुद्ध है गयो सुनी गोपियों की बोल और ज्ञान बजाय डुग डुगी बाजे प्रेम की ढोल जोर से ताली। इसलिए गुरुदेव 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 बोलते गुरुदेव कहते थे ये नंदगांव में कोई साधारण स्थान नहीं जहाँ पर राधा रानी की महिमा को उद्धव जैसे व्यक्ति जिनकी चरण की एक धूल को जहाँ पर वंदना किए हैं जहाँ पर ब्रज प्रेम की झंडा को उन्होंने उठा करके सारा दुनिया में जहाँ पर प्रकाशित किया अगर सर्वश्रेष्ठ प्रेम अगर किसको अंदर में तो ब्रजवासी और सर्वश्रेष्ठ ब्रज गोपी और सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी। गुरुदेव बोलते हैं ये स्थान कौन साधारण स्थान नहीं और अंतर्गत हमारा एक जे जगह बसिया छे गुरुदेव ब्रज मंडल मध्य कौन स्थान का निमंत्रण करूं ना करूं किंतु गुरुदेव बोलते हैं सबाई जखन यही तेर कदम ते गुरुदेव आसते सबाई के गुरुदेव विशेष कर बोलते हैं सबाई यही तेर कदम आसवे सबाई यही तेर कदम आसवे निकल के न कारण की ऐठा हलो रूप गोस्वामी ऐठा हलो भजन स्थान है लोग रूप गोस्वामी समस्त ग्रंथ के तीन यही खाने लिखे जेन एजने आमादरे जत्तो गोस्वामी वर्ग आछे सबाई से ही रूपानुगत को सबाई प्रार्थना करछेन आमादरे भक्ति विनोद ठाकुर तिनि की बोलछेन बोले सुनिया छी साधो मुखे बोले सर्व जाना श्री रूप कृपाए मिले युगल चरा भक्ति विनोद ठाकुर बोलछेन एनार कृपा ते जुगल चरण प्राप्त अभिनेता प्राप्त होते पारवे ना और हमारे श्री नरतम दास ठाकुर तीन की बोल छे रूप रघुनाथ पदे आई वे आकोटी कवि हम हो जब से जुगल प्रीति रूप रूप रघुनाथ पदे रहु मर आस और चैतन्य चरितामृत कहे बोलो कहे कृष्णदास
अतएव जत गोस्वामी आछे सबाई एई रूप गोस्वामी चरण रूप गोस्वामी सेवा इनकी अनुगत्य सबाई करते जाए। सबाई जितने हमारे गौड़ीय वैष्णव है सबके सब इनकी चरण की धूल को वंदना करते हैं और इनका नाम श्रील प्रभुपाद भी उनकी सारे उपदेश में कब श्री रूप गोस्वामी की चरण की एक धूल बनने का कब हमारे सौभाग्य होगा ये सारे प्रभुपाद बारंबार यही चीज को प्रभुपाद कहते हैं। बोले भैया प्रश्न है एर मध्य किया छे हमारे केनो रूप 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 केनो करी भाई रूप गोस्वामी चरण स्मरण करे हमारा एतो सौभाग्य केनो प्रार्थना कारण की। बोले कारण होलो हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी एक बिलाप कुसुमांजलि ग्रंथ लिखे छे वही बिलाप कुसुमांजलि बिलाप माने क्रंदन करा अंजलि माने हाथे पुष्प माने फूल जेरक हमारा ठाकुर चरण एक एक फूल प्रदान करी रघुनाथ दास गोस्वामी जखन राधा कुंड छिले तिनी निजेरे भाव के तिनी के तिनी वाले ने कृष्ण लीला रति मंजरी तिनी अतव एनार कृपा छोड़ा हमारा बोली ना रूपानुग आचार्य बा सर्वश्रेष्ठ रूपानुग बर प्रत्येक रूपानुग बर मध्य सर्वश्रेष्ठ रूपानुग के बोले श्री रघुनाथ दास गोस्वामी यदि यही मंजरी भाव जाके बोल छे मंजरी भाव ये मंजरी भाव की वस्तु यदि जानते जान जे मंजरी भाव के देवार जने श्री रूप गोस्वामी जो खन महाप्रभु तिने महिमा के बोलचन की बोलचन बोले अनर्पित चरिंचिरात करुणयाव तीर्ण कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसांग स्वभक्ति श्रीयम महाप्रभु तिने ब्रह्मारे एक दिन तिने ए जगत आसे अतएव सब कलिते महाप्रभु आसेना सब द्वापर कृष्ण आसेना सब तीर्थ राम आसेना धन्य कलिजु कलिजुग के जन्म नीते चाहना किंतु यही कलिजुगे साधारण व्यक्ति कथा छेड़े दी आमादर एकादश स्कंध बोलछे सत्य त्रेतया द्वापर जुगर लोक अवेम पृथ्वी रे आमादर स्वर्ग रे देवता लोक राओ यही कलिजुगे जन्म ग्रहण करे यही रूप गोस्वामी अनुगते तारा सेवा करते चाहे। यहाँ पर श्री एकादश स्कंध में बताते हैं सत्य युग को कृत युग को बताया जाता है त्रेता युग को कहते हैं राम राज्य और द्वापर युग में पूर्ण ब्रह्म सनातन कृष्ण स्वयं जन्म ग्रहण किया है लेकिन होने पर भी युवे लोग भी कलि युग में जन्म ग्रहण करके श्री रूपानुगत्व को आश्रय ग्रहण करना चाहते हैं वे भी रूपानुगत्व की आश्रय ग्रहण करना चाहते बोले क्यों कारण क्या है इनके अनुगत्य से क्या वस्तु मिलेगा इसलिए श्री प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं ब्रह्मा बीरिंचिर बांछित जे प्रेम जगते फैली लड़ी कंगाल पाइया खाइला नाचिया बाजाइया करताली हे मन गौरवी प्रेमानंद ठाकुर तिनी बोलछेन महाप्रभु अवतार मत कत होइनी आर हबे ना एवं जे महाप्रभु चरण आश्रय ग्रहण करले रूप गोस्वामी चरण आश्रय ग्रहण करले ब्रह्मा जे पत्थर जन्म नित जाय छेन ब्रजर बाहर शिव ठाकुर जे खाने गोपी रूप निये एलो किंतु चुल्ले रे मुठा धर सकत बेर कर दिलो जे प्रेम के पावर जने शिव ठाकुर से खाने चौकीदारी काज कर छेन ए पर्यंत मां लक्ष्मी तिनी बेल बने बसे तपस्या कर छेन जे वस्तु को पावर जने एवं उद्धव मत व्यक्ति जेखाने तीन गुलम लता होते चाहते हैं कहते केवल श्री रूप अनुगत को आश्रय ग्रहण करने पर और प्रभुपाद का लाइन को आश्रय लेने पर और विशेष कर हमारे श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का अनुगत करने पर कहते वो प्रेम हमें अपने आप प्राप्त हो जाएगा अपने आप प्राप्त हो जाएगी। इसलिए गुरुदेव का बहुत प्रिय थे और महाराज तो जानते हैं श्रीकृष्ण महाराज जब गुरुदेव यहाँ आते थे महाराज की भूरी भूरी प्रशंसा करते थे क्योंकि हमारे जो प्रिय स्थान है ये महाराज इतना सुंदर नहीं था बड़ी इधर उधर था महाराज ने देखो कितने सुंदर चारी तरफ में सचमुच से यहाँ आने पर लगता है पहले कुंज हुआ करता था लेकिन यहाँ आने पर लगता है सचमुच से कोई कुंज में बैठे किसी कुंज में बैठे हैं इसलिए ये महाराज का ही देन है। इसलिए महाराज बोलते थे इनको जता जाके मदद करो जैसे ये स्थान को ये उद्धार कर सके इनको उद्धार कर सके
इसलिए এই জন্য আমাদের যত গোস্বামী বর্গরা সাহেব রূপানুগতকে প্রার্থনা করছে ভাগবত সেখানে দেখুন বলে মামা দাসানু দাস হইতাস মে ভূ হ্যাঁ সেখানে চিত্রগত আমাদের শ্রী বৃত্তাস রূপ বলছেন প্রভু তোমারে দাসের দাসের দাস জাত হতে পারি মহাপ্রভু কি বলছেন গোপী ভরত পদ কমলে ও দাস দাস দাসানু দাস তোদ ভৃত্য 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 ভৃত্যস্য ইতি স্মরমাম লোকনাথ যত শাস্ত্র আছে সব শাস্ত্র মতে তোমার সেবকের সেবকের ডাইরেক্ট কেউ ভগবান সেবক হতে চায় না তোমার সেবকের 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 সেবক হতে চায় বলে কারণে এর মধ্যে আমাদের শ্রী সিদ্ধার্থ মহারাজ গোবিন্দ লীলামৃত ভালো শ্লোক তিনি উচ্চারণ করলেন খুব ভালো শ্লোক ওই শ্লোকের মধ্যে বলছেন কারণ কি ইয়ে রূপানুগত মধ্যে আছেটা কি সবাই এটা প্রার্থনা কেন করছে এর মধ্যে কি বস্তু আছে মহাপ্রভু কলিযুগে তিনি কেন কৃষ্ণ রাধা রানীর অঙ্গকান্তি ভাব নিয়ে তিনি কেন হলেন কারণ কি কারণ তিনি দেখলেন আমাকে রাধা রানী ভালোবাসে আমিও রাধা রানীকে ভালোবাসি কিন্তু আমাকে রাধা রানী ভালোবেসে তার মধ্যে যে আনন্দ প্রাপ্ত হয় আমার আমি হলাম স্বয়ং রস বৈষম রসম সেবায়াম লব্ধ আনন্দ ভবতি আমি স্বয়ং রস স্বরূপ অখিল রসামৃত মূর্তি সমস্ত রসরে আমি মূর্তিমান স্বরূপ কিন্তু হলেও বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আমার বংশী ধ্বনি শুনে মুগ্ধ হয় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আমার স্বর শুনে তারা পাগল হয়ে যায় আমার শরীর স্পর্শ করে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পাগল হয় কিন্তু যখন আমি রাধা রানীকে স্পর্শ করি যখন রাধা রানীর গলা আওয়াজ শুনি যখন রাধা রানীর কথা শুনি আমি নিজে স্বয়ং পাগল হয়ে যাই রাধা রানী আমি যতটুকু আনন্দ প্রাপ্ত করি তা থেকে কোটি গুণ আনন্দ কে প্রাপ্ত করে শ্রীমতী রাধা রানী বলে শ্রীমতী রাধা রানী কি এখানে কৃষ্ণ তিনি চিন্তা করছেন এই আনন্দটা কি বস্তু যে পর্যন্ত আমি রাধা রানীর ভাব অঙ্গ কান্তিকে যে পর্যন্ত গ্রহণ না করি এই আনন্দকে আমি পেতে পারবো না এখানে কৃষ্ণের মধ্যে যে আনন্দ রাধা রানী সে আনন্দটা সম্পূর্ণ আস্বাদন করে কত আনন্দ পায় এক কোটি গুণ কিন্তু ওই আনন্দটি যখন ললিতা বিশাখা তারা যখন রাধা কৃষ্ণের সেবা প্রাপ্ত করে তখন কি হয় বলে না রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর রাধা রানীর আনুগত্যে আমরা শ্যাম সুন্দর সেবা করি কিন্তু যখন রূপ গোস্বামী তার পিছনে যখন প্রভুপাদ কে বলা হয় ভাইয়া তুমি কে তখন তিনি কি বলবেন এদের সবাই দাসের 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 দাসী হলাম আমি ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ বলে ভাই তুমি কে তুম কোন হো ও কে পরিচয় দেঙ্গে ইনকি দাসোঁ কা দাসোঁ কা দাস ও আনন্দ জিতে নিচে উতর রা না উসমে মত সমঝো ঘটাই নেই কম নেই ও বঢ়তে যা রহি হ্যায় ও বঢ়তে যা রহি হ্যায় লেকিন জব ইহি আনন্দ শ্রীলা ভক্তি বেদান্ত শ্রীলা নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ কে পাস না আয়েঙ্গে আগে ইনকো পুছো ভাইয়া তুম কোন হো বলে ইনকা সব দাসোঁ কা দাস লেকিন হামারে শ্রী বন মহারাজ কে পুছো তো सिद्धार्थ महाराज को पूछो ये क्या बोलेंगे हमारे श्री पद्मनाभ महाराज और बुधायन महाराज इनको पूछो ये क्या बोलेंगे कहते इनका सबका दासों का दासों का दासों का दास हम सबके सब दासों का दास है इसलिए मतलब जितना आनंद है सबका आनंद काम प्राप्त हो रहा है जो नीचे व्यक्ति आ रहे हैं ना वो सारे आनंद इनको प्राप्त हो रहा है इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु साधारण व्यक्ति बात छोड़ दो इनकी बात छोड़ दो श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में जब उन्होंने समुद्र को उन्होंने जमुना मान कर छलांग लगाई जहां पर जली का जाल में जब श्री महाप्रभु आए जब उनको पूछे महाप्रभु को जब कीर्तन करने पर जब महाप्रभु का पुनः उनको ज्ञान आया महाप्रभु क्या बोले बोले मैं तो राधा कुंड में राधा गोविंद का लीला को मैंने दर्शन कर रहा था तुम लोग मेरे को वहां से क्यों बुलाए मतलब महाप्रभु भी इसी मंजरी भाव में महाप्रभु स्वयं इसी मंजरी भाव को आस्वादन महाप्रभु स्वयं करते हैं इसलिए जितने हमारे गोस्वामी वर्ग हुए हैं सबके सब रूपानुगतों की ये सबके सब प्रार्थना किया ऐ जने हमारे अहो भाग्य हमारा आज के
गुरुदेवर अनुगत्य हमारा एखाने ऐसे हमारे सब जगह गई कथा सुनी हमारा अनेक कथा सुनी किंतु हमारे गुरुदेव से नारायण गोस्वामी महाराज विशेष वैशिष्ट आज महाराज तो यहाँ पर रहते जानते होंगे सब संप्रदाय का लोग यहाँ आते हैं हरि कथा बोलते हैं लेकिन रूप गोस्वामी का महिमा हमारे गुरुदेव जितने भूरी क्यों वो स्वयं रमण मंजरी स्वयं वो रमण मंजरी है जितने महाराज की गुरु जी के अनुगत्य में हम लगता है जितने श्री रूप गोस्वामी को महिमा को हम सुनते हैं इतना सौभाग्य किसके नहीं हुए होंगे इतने सुंदर लगता है कोई रूप गोस्वामी कथा नहीं सुनते होंगे क्या कोई नहीं सुनते होंगे इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं। देखो देखो ये स्थान नाम हलो तेर कदम एखान कृष्ण की पर चले कृष्ण जखन छोट बयस जखन बाछुर चराते आरम्भ कर ले जखन बाछुर चरित चराते बाछुर जखन बड़े हो जाए और आर कार संगे जेते चाहे ना एखन कृष्ण जखन ओई बाछुर गुलो बड़े हो गेल जखन कृष्ण जखन एलेन कुथा थेके वृंदावन थेके कृष्ण जखन एलेन नंद ग्राम ते सर्वप्रथम तिनी एई खान थेके जे गोरु चरण एई खान थेके आरम्भ करे एई खान थेके तिनी गोरु चराते आरम्भ करे एजन हमारा तो गुरुदेव थाका समय गोपाष्टमी समय में हर साल प्रत्येक वर्ष हमारा एक हने गोपाष्टमी ते हमारा आस्था प्रत्येक किंतु ओ दिन खूब भीड़ थाके बोले हमारा एक दिन परे कर निए छी हमारा एक दिन परे हमारा कर निए छी किंतु महाराज तो प्रत्येक वर्ष सुंदर दिन फूलर दिन बांग्ला गलत बने थे महाराज की होलो ए बार बनल हमारे गला ऐसे गे छे ए जने एक हने कृष्ण दिन एक हने दिन गोरु चरण आरंभ करे और यही खाने जखन ए दिगे होलो जाबट अरे ए दिगे होलो नंद भवन हाँ नंद भवन ए दिगे अरे ए दिगे होलो जाबट तार माझखाने स्थान होलो ए टेर कदम जखन राधा रानी उनके दुर्वासा ऋषि बर दिए छिलो की बर दिए छिलो तुम्हें हबे अमृत हस्ता तुम्हारे हाथे यदि केउ भोजन करे ओखन मरबे ना तार जस संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड ते तार जस जाबे तिनी वरदान प्राप्त कर छिले ए जने मां जसोमती तिनी की करते सुंदर अलंकार सुंदर वस्त्र तिनी लोभ दिए तिनी जटिला गुटला के राधा रानी के तिनी टांगते अरे राधा रानी की करतो ए खान ते के जगन सखी तेरे संगे तिनी ओई नंद भवन जेते अरे गोविंद ए खान थाकतो सखा तेरे संगे किंतु राधा रानी भोजन करा जे बनाते जाए कारण राखी कारण होलो केवल कृष्ण दर्शन कृष्ण सेवा और कौन उद्देश्य ने कृष्ण दर्शन कृष्ण सेवा ए जने जखन एखान आसते बोले ना सिद्धार्थ कृष्ण संगे राधा रानी बी होय नी अपना जाने जार संगे बी ना होय तार संगे हमारा मिलते पारी तार ताकि देखते पारी ना जिसको साथ में शादी नहीं हुआ हम थोड़ी उनको देखते हैं डायरेक्ट तो राधा रानी के कृष्ण के साथ में शादी हुई नहीं लेकिन जब राधा रानी इधर से होती है जाती थी कृष्ण क्या करते थे जो गैया का स्तन है ना दूध को पकड़ करके ऐसे उनकी धार मारते थे राधा रानी के मुंह में राधा रानी का मुंह एकदम दूध दूध में भर जाती थी राधा रानी का और राधा रानी क्या करती गले के जो मोती का हार को राधा रानी जान बुझ करके तोड़ देती थी तोड़ देने पर यहाँ पर बिखर जाता था और राधा रानी क्या करती थी बहाना बना करके एक एक मोती को उठाया करती थी और श्याम सुंदर को देखती थी और एक एक मोती उठाया करती थी ये सब लीला यहीं पर हुआ करता था। एक हाने श्री रूप गोस्वामी तिनी एक हाने भजन करते और पावन सरोवर ते श्री सनातन गोस्वामी भजन करते कखनो कखनो दू भाईरा एक जगह हुए सेखाने हरि कथा करतो एक दिन श्री सनातन गोस्वामी तिनी एखाने एसेछेन जखन एसेछेन रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी एक रूप मंजरी और एक लवंग मंजरी आप बताओ साधारण व्यक्ति तो कृष्ण जैसे कहते हैं मत कथा मदगता चिंता बोधयन्ते परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च अगर एक भक्त यदि एक भक्त संग मिले की करे तारा भगवत कथा आलोचना करे हरि कथा ही तारा आलोचना करे और यदि रूप मंजरी और यदि रूप मंजरी और लवंग मंजरी एरा यदि कथा बोले तादर कथा कतो श्रेष्ठ है बताओ कतो कतो राधा रानी सेखाने कतो सुंदर सुंदर राधा रानी सेखाने कथा होवे और राधा रानी कथा ते एतो डूबे गिए छे
এতো ডুবে গিয়েছে রূপ গোস্বামী, তিনি চিন্তা করছেন অনেক দিনের পরে আমার কাছে বড় দাদা এসেছে, তাকে কিছু খাওয়াবো। কি খাওয়াবো? উনি জানতেন যে পায়েস খুব ভাল লাগে। হ্যাঁ, পায়েস খুব ভাল লাগে। এখানে ঘনা ভোর জঙ্গল, তখন তো এখানে কিছুই ছিল না, দু চারটা ঘর ছেড়ে আর এখানে কিছুই ছিল না। এখানে কোথা থেকে আসবে? এখন এদের হৃদয় ভাবনা জেনে তখন রাধা রানী স্বয়ং তিনি কি করছেন, দুধ চিনি কাজু কিশমিশি রাধা রানী একটি ছোট বালিকা রূপ ধারণ করে। এই জন্য আমাদের ভজন আছে, আমারে ব্রজ কে রাখবালে কন্হাইয়া রাধিকা রানী, ব্রজের মধ্যে এলে ব্রজ মে আনে সে কিসকা নাম সবকে সব লেতে হ্যায়, আর জোর সে বলো সব রাধা রানী কা নাম, রাধা রানী কৃপা না হলে না ব্রজ কেউ বাস করতে পারবে না। বাড়িতে যেরকম মাস বাকি খাওয়ায় ব্রজের মধ্যে কেউ খিদায় থাকে না, সেখানে রাধা রানী সবাই খাওয়ার ব্যবস্থা শ্রী রাধা রানী করে। এখানে রাধা রানী একটি বালিকা রূপ ধারণ করে নিয়ে এসে বলে, বাবা বাবা নাও তোমার পায়েস বানিয়ে খেয়ে নাও। কেউ তারা কৃষ্ণ কথার মধ্যে বলে, তসমিন মহান মুখরিতম মধুবিশ্বরিতম, হ্যাঁ ভগবানের কথার মধ্যে যে আনন্দ আছে বলে, তব কথা মৃতম তপ্ত জীবন, ভগবানের কথা হলো আনন্দ রসময় অমৃত, ওই কথা ছেড়ে আর কি ভোজনের কেউ চিন্তা করে? তখন রাধা রানী আবার ঘুরে এসছেন, সুন্দর তিনি ক্ষীর বানিয়ে বলে, বাবা তোমার সময় এলে তোমার খেয়ে নাও। বলে, লালি যাও চিন্তা করো না। রাধা রানী স্বয়ং তিনি কি করলেন, পায়েস বানিয়ে দিলেন, বলে তোমরা খেয়ে নাবে। অনেক সময় পরে যখন হরিকথা শেষ হয়ে তখন গোবিন্দকে ভোগ লাগিয়ে যখন সনাতন গোস্বামীকে খাওয়াচ্ছে, আর সনাতন গোস্বামী তো অনেক ক্ষীর খেয়েছেন, কিন্তু রাধা রানীর হাতের মধ্যে যে ক্ষীর তার মধ্যে কি স্বাদ কখন হতে পারে? আর যখন খেয়েছেন না, ওনার হৃদয় গদগদ হয়ে গেছে, চোখ দিয়ে জল বইতে আরম্ভ হয়েছে। হ্যাঁ বলে, তখন আমাদের সনাতন গোস্বামী রূপ গোস্বামী বলছে, তুমি কি মনে মনে কোনো চিন্তা করছিল? বলে, হ্যাঁ তুমি অনেক দিন পর দাদা এলে, তোমাকে পায়েসে খাওয়ার ইচ্ছা ছিল। বলে, বলো দেখি এই অন্ধ ঘনাঘর জঙ্গলের মধ্যে কে আসবে? যে রাধা রানী স্বয়ং তিনি বালিকা রূপ ধারণ করে তিনি ওই পায়েসটা বানিয়ে দিয়ে গেলেন। অতএব ইয়ে হলো ওই স্থান যেখানে এই সমস্ত লীলা আদি এখানে হয়েছে। আমাদের গুরুদেবের গুরু বৈষ্ণবের কৃপায় আমাদের কোটি কোটি জন্মের সৌভাগ্যতে আমরা এখানে এসছি, প্রণাম করিবে, এখানকার ধুলি লাগাবে। আর আর আমাদের মহারাজ প্রত্যেক বর্ষে কি করে জানো তো, আমাদের জন্য খুব সুন্দর ক্ষীর বানায়, কেবল ক্ষীর না পকোড়াও সুন্দর। একজনে মহারাজ পকোড়া দিলেন, মহারাজ ক্ষীর দিলেন, আর একটু বেশি করে বানালে ভালো হতো। আমাদের জলখাবারও ক্ষীর হবে, আর সেখানেও সিঙ্গড়া পাবে, সমস্যা হবে। বাঞ্ছা গল শ্রী কৃপা সিন্ধু ভাই सिद्धार्थ महाराज जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में केक भी कटेगा, तो केक सब में बटेगा, काटने से पहले पूजे बाद ठीक है महाराज, तो उससे पहले